हेलो गैस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पेसिप के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों के लिए चार इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के सामने आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट मैसेज हमारा ओईएस के वेबसाइट को लेकर है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारा ऑन पेसिप की ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर है। और चौथा लॉग इन को लेकर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहला अपडेट क्या निकल के सामने आया है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि संडे गुजर चुके हैं और संडे को बताया गया था कि वेबसाइट लाइव होंगे, तो आखिरकार कंपनी के वेबसाइट लाइव क्यों नहीं हुआ? और संडे जाने के बाद आज मंडे खत्म हो रहे हैं, आज भी वेबसाइट नहीं आए हैं, तो क्या वेबसाइट इस महीना में नहीं आएंगे? लोग ये पूछने लगे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि कंपनी ने बताया था कि 7 दिन या 10 दिन, इसे भी आप याद रखिएगा। 7 दिन अभी हुआ नहीं है, 10 दिन तो होना बाकी है। डेट्स मीन इस महीना में वेबसाइट होने के लिए अभी समय बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और जाके आप जो ऑन पेसिप की जो इकोसिस्टम की वेबसाइट है उसे भी आप सर्च करते रहिए। ऑन पेसिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है onpesip.com, उसे भी आप सर्च करते रहिए। ऑटोमेटिकली जब भी आएंगे वो ओपन हो जाएंगे और आसानी के साथ आप काम कर लेंगे। डेट्स मीन लॉगिन तब तक ना करें या लॉगिन तब तक नहीं करेंगे जब तक कंपनी आपको आदेश ना दे दे कि हमारा वेबसाइट ये है, वेबसाइट आ गया है, इसे आप क्लिक कीजिए, जाइए वेबसाइट में, पासवर्ड डालिए, आईडी डालिए और लॉगिन कीजिए। जब तक कंपनी ना बोले आप ना कीजिए। दूसरा, हमारा जो ऑनपेसिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी लाइव होते हैं, कभी दिखाई देते हैं, कभी कुछ। तो आप लोगों को हम बता दें, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहे हैं, जिसके कारण वेबसाइट अप डाउन हो रहा, कभी आपके सामने है और कभी नहीं है, कभी लाइव है कभी नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनी का माइग्रेशन का एक काम है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर। तो आप लोगों को हम बता दें प्ले स्टोर पर मौजूद है, जाइए ओईएस ऑफिशियल लिखिए, आसानी से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कीजिए, ओपन हो रहा है, वहां पे लॉगिन के ऑप्शन से उसमें क्लिक कीजिए, लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और लॉगिन पेज भर सकते हैं, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर सकते और ना ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, बाकी जो भी होगा हम आने वाले समय पर आपको बता देंगे। जैसे वहां से लॉगिन होंगे या वहां से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, हम वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। लास्ट में आता है कि लॉगिन हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, लॉगिन का सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। कंपनी जब बताएंगे कि हमारा इकोसिस्टम का वेबसाइट आगे है और कंपनी के आदेश के अकॉर्डिंग ही आप आगे के काम करें, क्योंकि कंपनी का जब भी इकोसिस्टम आएंगे ना, तो फेक इकोसिस्टम या फेक हमारा वेबसाइट आ सकता है, तो आप उससे बचिएगा। और अगर कोई लिंक भेजे कि इसमें क्लिक कीजिए, आईडी पासवर्ड डालिए, ऑन पेसिव लॉगिन होता है, तो भी आप सावधान हो जाइए। मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के आदेश के बिना आप कुछ भी करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड चुराने के लिए लोग बैठे हुए कि काश कि हम आपका आईडी अपने नाम पे कर ले, क्योंकि फाउंडिंग पोजीशन तो आप मिलेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी यहां पे सिक्योर है और पूरी दुनिया का नजर हमारे ऊपर है।